नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 और 10 अप्रैल की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, यश में ग्रहों की तिथि कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आखिर आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दो दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे होती होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने जीवन में बहुत ही अच्छे लाभ कमाएंगे। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो भाई दोस्तों, अब बात करते हैं, पहले जानते हैं इन दो दिनों की ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों 9 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों इन दिन शुक्रवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी और पूर्व भाद्रपदा नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इन दिन योग की बात करें तो दोस्तों शुक्र नाम का योग इस दिन रहने वाले हैं और उसके उपरांत दोपहर के बाद इस दिन ब्रह्म नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि त्रयोदशी तिथि में ये ब्रह्म नाम का योग आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। राहु काल का समय सुबह के 10:55 से लेकर दोपहर के 12:28 तक रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे कि राहु काल के समय में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्यों को ना करें और चंद्रमा इन कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में संचार करने वाले हैं। वही दोस्तों 10 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों इन दिन शनिवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और पूर्व भाद्रपदा नाम का नक्षत्र रहेगा। दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन ब्रह्म नाम के योग के बाद इंद्र नाम का योग रहने वाले हैं। दोस्तों आखिरी दिन में भी बहुत ही अच्छे योग हैं, ब्रह्म और इंद्र नाम का योग आपके जीवन में कई प्रकार के कल्याणकारी कार्य बनाने वाले हैं। परंतु दोस्तों यश में आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखने की आवश्यकता होगी। राहु काल का समय सुबह के 9:21 से लेकर सुबह के 10:54 रहेगा और चंद्रमा दिन मीन राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन दो दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का यह परिवर्तन आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। पॉजिटिव की अगर बात करें तो दोस्तों यदि आप विदेश जाने का सपना पाल रहे हैं तो उससे संबंधित परिणाम इस समय आपको मिलने की आंशिक संभावना है। कुल मिलाकर पारिवारिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, बुजुर्गों आपको अपना आशीर्वाद और समर्थन देंगे और दोस्तों पूरा माहौल यश में शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। वही दोस्तों नेगेटिव की अगर बात करें तो आपको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने सहयोगियों के सहयोग की आवश्यकता होगी, इसलिए दोस्तों उनके साथ संतुलित संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। दोस्तों आधिकारिक उद्देश्य के लिए यात्रा करना वांछित परिणाम नहीं दे पाएगा, इसलिए अगले महीने के लिए इसे स्थगित कर दें। वही दोस्तों इन दिनों में पुरानी बातों से निकलकर नए कामों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों गुजरे कल के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं होगा, आपको बहुत से नए अवसर भी मिल रहे हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नति होगी और आध्यात्मिक रूप से आपकी जो है वृद्धि होगी। किसी की बात से यदि आप नाराज हैं तो दोस्तों यश में उन्हें माफ कर दें। किसी भी कार्य या फिर रिश्ते में अत्यधिक प्रयास करने के बजाय उसे उनके साथ संभलने का उसे मौका देना चाहिए। दोस्तों यश समय अगर आपकी करियर की बात करें तो दोस्तों करियर में बीती बातों को भुलाकर अपनी प्लानिंग को अगले चरण में ले जाएं, इससे दोस्तों लाभ होगा। दोस्तों यश समय अगर आपको अच्छा अवसर मिले तो आप नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि आप संगठन और अपने काम के दायरे के बारे में अच्छे से शोध कर लें। दोस्तों यश में इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपका जीवन साथी शारीरिक समस्याओं से जूझ सकता है, ऐसे में उनकी सेहत का आप ध्यान रखें क्योंकि यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी होगी और मानव होने के नाते आपका कर्तव्य भी। दोस्तों यश में रिश्तों के लिहाज से दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, अविवाहितों के लिए नए प्रवचन मिल सकते हैं। दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो किसी पुरानी बीमारी से आपको आज के दिन राहत मिल सकती है। दोस्तों यश में आपको एक शांत आचरण बनाए रखना चाहिए और तर्कों से भी आपको बचना चाहिए। दोस्तों यश में चुनौती यह है कि आप अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण रखें, दूसरों के साथ व्यवहार करते समय थोड़ा कूटनीति बने। दोस्तों वही यश में अगर आपकी भाग्यशाली रंग की बात करें तो भाग्यशाली रंग रहेगा गोल्डन और भाग्यशाली अंक रहेगा 6।
दोस्तों यश में आउटडोर खेलों में महिलाओं खिलाड़ियों को उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है। जीवन साथी के करियर संबंधी विशेष बात संभव है। सांस संबंधी मामले में आपको विशेष सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों यश में उत्साह और ऊर्जा से भरपूर होंगे। इस उत्साह के कारण आपको अलग अलग वस्तुओं पर हाथ आजमाने का मन भी होगा, परंतु दोस्तों आप विशेष खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप में इतनी शक्ति होने पर भी आप सुरक्षित रहकर कदम उठाना पसंद करेंगे, दोस्तों ऐसा गणेश जी कहते हैं। वही दोस्तों यश में अगर आपकी वित्तीय स्थिति की बात करें तो आप काम में निपटने के लिए नए नए तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि आप असामान्य चीज़ें करने के मूड में रहेंगे। लेकिन दोस्तों निर्णय लेते समय सावधान रहें। गणेश जी के अनुसार दोस्तों यश में टीम वर्क आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोस्तों यह समय की शाम दोस्तों और प्रियजन के लिए आर्थित होगी। आप खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे और अपने पीर को क्लैरिटी टाइम देने पर गर्व महसूस कर सकते हैं। वहीं आपके साथी का अच्छा मूड आपको खुशी देगा। वह दोस्तों यश में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों यश में आपको शीघ्र ही बहुत बड़ी जमीन खरीदने के अवसर भी मिलेंगे। यदि आप किसी बड़ी संपत्ति के लिए निवेश करना चाह रहे हैं और आपका कोई नज़दीकी विश्वास पात्र मित्र आपके साथ भागीदारी बनकर इस व्यवसाय में निवेश करना चाहता है तो दोस्तों आपको इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए, क्योंकि आपका आर्थिक भार भी कम हो सकता है एवं इस गठबंधन से आपके आपसी संबंध भी खराब नहीं होंगे। दोस्तों गणेश जी को लगता है कि आज के दिन आपके अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे। आपका मन मुताबिक तार्किक और सक्रिय रहेगा। आप कुछ असामान्य या फिर अतिरिक्त करने में सक्षम होंगे। आप नेटवर्किंग में अपनी ऊर्जा का निवेश करेंगे। कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दोस्तों इसमें आपके पास प्रचुर ऊर्जा होगी, लेकिन काम का बोझ आपकी जो है खींच की वजह बन सकती है। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिताएंगे। दोस्तों रोमांचक दिन है, क्योंकि अपने पीर का फोन आएगा। कारोबार जितना हो अपने कारोबार से जुड़ी बातों को किसी से शेयर न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या फिर शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। दोस्तों यह समय एक बार फिर समय में कुछ पीछे जाकर शादी की शुरुआती दिनों के प्यार और रोमानियत को महसूस कर सकते हैं। तो आए दोस्तों अब बात करते हैं यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण और भाग्यशाली टोटके को करना चाहिए। तो दोस्तों यश में आपको कोयले के 8 टुकड़े को बहते पानी में प्रवाहित करें। इसे दोस्तों आपके नौकरी व फिर बिजनेस में उन्नति होगी, आपके कारोबार में गति आएगी। तो दोस्तों और यदि ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के आपके सबसे महत्वपूर्ण टोटके होंगे दोस्तों गाय को रोटी दी जाए। दोस्तों भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और दोस्तों इससे आपकी सभी मनोकामना भी पूरी होंगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार की जानकारियां और ज्ञानवर्धक टोटके आपके पास हम सबसे पहले लेकर आ सकें और आप उन्हें करके अपने जीवन में उत्तम सुखों का लाभ ले सकें।